व्याख्या कि जो किसी भी वाक्य के अंदर कोई संज्ञा पद आया है और वो संज्ञा पद उस व्याकरण में क्या स्थान पाता है, उसकी चर्चा मैं कर रहा हूँ। आज का हमारा टॉपिक है पद परिचय। तो पद परिचय करने के लिए हमें इन चार टॉपिक और चार आठ और छः बारह टॉपिक सॉरी 14 टॉपिक हमें आने चाहिए, हमें कंठस्थ होने चाहिए, हमें याद होने चाहिए, तब उनकी हम क्या कर सकते हैं, पूरी बात कर सकते हैं। तो इनके बारे में मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ। संज्ञा किसे कहते हैं, किसी पदार्थ के नाम को क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। मैंने क्या कहा यहाँ पर, किसी पदार्थ के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी पदार्थ का जो नाम होगा वो क्या होगा, संज्ञा होगा। जैसे यहाँ पर कोई पदार्थ, मान लो मैं यहाँ पर कोई पदार्थ हूँ, पद प्लस अर्थ, पद मतलब जो हम इसकी बात करें यानी कोई शब्द है। मैं यहाँ पर क्या हूँ, यहाँ पर पदार्थ हूँ, जो मेरा नाम है, मेरी जो जाति है, यानी मैं यहाँ पर अब टीचर हूँ, अध्यापक हूँ, तो मेरी वो जाति है वो क्या है, एक संज्ञा है, और मेरा नाम है वो क्या है, यहाँ पर एक संज्ञा का काम है, कर रहा है। तो इसके बाद में संज्ञाएँ तीन प्रकार की होती हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। मैं मूल रूप से बात करता हूँ मैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की, कि क्या होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो किसी पदार्थ का जब नाम आपको मूल रूप से दे दिया जाए, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, मोहन, नीता, रावसर, हनुमानगढ़, जयपुर, दिल्ली, बीकानेर, जो भी आपको नाम दे दिया जाता है, अर्थात प्रॉपर रूप से आपको किसी का नाम दे दिया जाए, तो वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी किसी वस्तु का निश्चित नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद में दो नंबर पर आता है जातिवाचक संज्ञा, संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, मतलब ये लड़का और लड़कियों का एक समूह है, तो लड़का शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा है, कक्षा जातिवाचक संज्ञा है, कमरा जातिवाचक संज्ञा है, पशु जातिवाचक संज्ञा है, जानवर जातिवाचक संज्ञा है, या किसी हमें एक कोई दल होता है, कोई टीम होता है, कोई गुट होता है, कोई समूह होता है, उसकी ओर अंगित करवाए, वो शब्द क्या कहेंगे हम, जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। तीसरा प्रकार आता है भाववाचक संज्ञा, और भाववाचक संज्ञा हम किसे कहते हैं, भाववाचक संज्ञा हम उसे कहते हैं जो हमें किसी भाव की ओर पर, जैसे उतरने के भाव को हम उतराव कहते हैं, चढ़ने के भाव को चढ़ाव कहते हैं, गरीब होने के भाव गरीबी कहते हैं, अमीर होने के भाव को अमीरी कहते हैं, बच्चा होने के भाव को बचपन कहते हैं, लड़का होने के भाव को लड़कपन कहते हैं। तो इस प्रकार के जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उसे हम भाववाचक संज्ञाएँ कहते हैं। तो ये होगी भाववाचक संज्ञाएँ। दूसरा टॉपिक आता है हमारे सामने सर्वनाम। सर्वनाम सबका नाम, इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। और जब मैंने पहले वाक्य लिखा कि राम बाजार जाता है, और उसी राम को जब मैं अगले वाक्य में प्रदर्शित करूंगा तो राम के स्थान पर मैं लिख दूंगा वह, तो वह अब क्या है उस स्थान पर, इसके स्थान पर हमने काम लिया है, तो राम एक संज्ञा थी, उसके स्थान पर हमने काम लिया वह, तो वह क्या कहलाएगा, अब यहाँ पर सर्वनाम कहलाएगा। सर्वनाम मूल रूप से छह प्रकार के होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंध वाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये छह प्रकार के सर्वनाम आते हैं, और हमें उस वाक्य में देखना होता है कि किस प्रकार का सर्वनाम आया है। अब विशेषण, तीसरा टॉपिक हमारे पास है विशेषण। किसे कहते हैं हम विशेषण, उनकी मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ। विशेषण क्या होता है, विशेष की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। विशेष्य कौन होते हैं, संज्ञा सर्वनाम। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है। और वो विशेषण कौन सा है, विशेषण चार प्रकार के होते हैं मूल रूप से, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणाम परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। ये चार प्रकार के विशेषण होते हैं, वह कौन सा प्रकार का पद है वो हमें देखना होता है, उसकी चर्चा मैं आगे करूँगा। उसके बाद में हम पढ़ते हैं क्रिया। क्रिया का शाब्दिक अर्थ करना या होना, कि जिस वाक्य में हमें
वाक्य पूरा होता हुआ मिल रहा है जिस शब्द से, वह वाक्य की क्रिया है, और क्रिया के बिना वाक्य कोई भी है वो पूरा नहीं हो सकता। जिसमें क्रिया अक्रमक और असक्रमक होती है, जिसमें कर्म मौजूद हो वो सक्रमक है, जिसमें कर्म मौजूद नहीं हो वो अक्रमक क्रिया है। तो ये चार प्रकार के विकारी पद हैं, इनमें परिवर्तन होता रहता है। जैसे संज्ञा लिखा राम, उसका परिवर्तन कर दिया हमने वह। जिस प्रकार से विशेषण अच्छा है उसका हमने कर दिया अच्छा, और क्रिया है उसमें भी परिवर्तन होता रहता है। अब किन की वजह से परिवर्तन होता है? लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल, वाच्य, इनके आधार पर इन चारों का परिवर्तन मूल रूप से पाया जाता है। इसके बाद में जब दूसरे प्रकार की ओर हम लौटते हैं, अविकारी शब्द। अविकारी शब्द क्या होते हैं? देखिए चार प्रकार के हैं। एक नंबर पर क्रिया विशेषण, जो मूल रूप से क्रिया की विशेषता बताए उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। संबंध बोधक, किसी वाक्य या वाक्यांश में जो संबंध बताने का जो काम करते हैं उसे हम संबंध बोधक अव्यव या अविकारी कहते हैं। उसके बाद में ये लिखा हुआ है समुच्चय बोधक, दो वाक्य, दो शब्दों को, दो वाक्यों को, दो वाक्यांशों का जो जोड़ने का कार्य किया जाता है उसे कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यव, जैसे और, तथा, या, वह, अथवा, अर्थात आदि शब्द। इसके बाद में देखिए विषमादि बोधक, जो हर्ष, शोक आदि के भाव को प्रदर्शित करता है उन्हें हम विषमादि बोधक अव्यव कहते हैं। और विषमादि बोधक का एक चिन्ह भी होता है जिससे हमें पता चल जाता है कि ये विषमादि बोधक अव्यव है। अब देखिए इनमें परिवर्तन इनके वजह से आता है। तो हमें जब संज्ञा का पद परिचय करना होता है तो हमें क्या क्या चीज़ें देखनी होती है? तो सबसे पहले मैं इस संज्ञा की बात यहाँ पर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जब संज्ञा का हम पद परिचय करेंगे तो सबसे पहले उसका क्या देखेंगे हम? उस संज्ञा का हम लिंग देखेंगे। उसके बाद में संज्ञा का हम देखेंगे तो हम वचन देखेंगे, इसका एक उदाहरण बताऊँगा मैं आपको। इसके बाद में हम कारक देखेंगे कि उस संज्ञा में कौन सा कारक है। उसके बाद में पुरुष नहीं देखेंगे, उसके बाद में काल नहीं देखेंगे, उसके बाद में नाम देखेंगे, और एक हम देखेंगे वो कौन सी संज्ञा है। मूल रूप से एक, दो, तीन और चार चीज़ों का अध्ययन हम करेंगे। एक नंबर, दो, तीन, चार। देखिए मैं एक उदाहरण लिख रहा हूँ कि दलीप बाजार जाता है, दलीप बाजार जाता है, और यह जो शब्द आपको दिखाई दे रहा है और उसके नीचे रेखांकन कर दिया, और उसके नीचे रेखांकन कर दिया कि रेखांकित पद का परिचय बताइए। एक, दो, तीन, चार, जितने भी मैक्सिमम इसके चार बनेंगे। संज्ञा जब पूछी जाएगी हमसे तो उसके एक, दो, तीन, चार पद परिचय वो अपना व्याकरण में रखता है। सबसे पहले हमें इसका क्या बताना है? संज्ञा बतानी है। तो संज्ञा ये कौन सी है? दलीप किसी का प्रमुख रूप से प्रॉपर नाम दिया जा रहा है। तो सबसे पहले ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक नंबर का पद परिचय हो गया। दूसरे पर यह लिंग कौन सा है? ये दिलीप है, पुलिंग शब्द है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? पुलिंग है। इसके बाद में वचन, एक वचन है ये। इसके बाद में कारक कौन सा है? दिलीप बाजार जाता है, अर्थात इस वाक्य को करने वाला कौन है? दिलीप है, तो यह क्या है? वाक्य का कर्ता कारक है। तो इस दिलीप शब्द ने व्याकरण में कौन सा स्थान पाया कि वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, वह पुलिंग है, वह एक वचन है, वह कर्ता कारक है, इतने स्थान वो इस व्याकरण में पा रहा है दिलीप शब्द। तो यही पद परिचय होता है। दूसरा शब्द जब बाजार की बात करें, बाजार क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, ये हम भले भांति जानते हैं। और बाजार पुलिंग शब्द भी है, और बाजार एक वचन शब्द भी है, और यहाँ पर कर्म का काम कर रहा है, तो इसलिए कर्ता कारक न होकर यह कौन सा हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम जब संज्ञा पढ़ते हैं और संज्ञा बताने के साथ लिंग बताया जाता है, उसका वचन बताया जाता है, उसका कारक बताया जाता है, तो वह उस वाक्य में, उस व्याकरण में स्थान प्राप्त कर लेता है। इसके बाद में अगला उदाहरण जब हम पढ़ते हैं, हमने अभी क्या कहा, संज्ञा की बात कर ली, और सर्वनाम की जब बात करेंगे तो ये जो विकारक है इनमें कौन कौन सा स्थान जो प्राप्त करता है। सबसे पहले ये हो गया एक नंबर पर सर्वनाम, उसके बाद में दो नंबर पर हम उसी सर्वनाम का लिंग देखेंगे, और तीसरा उसी सर्वनाम शब्द का हम वचन देखेंगे, और चौथा उसी सर्वनाम शब्द का हम कारक देखेंगे, और पाँचवा कभी कभी हम क्या देखेंगे उसे, उसका पुरुष देखेंगे। जब पुरुषवाचक
की बात हम कर रहे होते हैं तो उसका पुरुष उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष में से उसका पुरुष देखा जाता है। तो मूल रूप से जब किसी सर्वनाम का जब पद परिचय बताया जाता है तो वो व्याकरण में पांच प्रकार से अपना स्थान प्राप्त कर लेता है। जैसे मैं ये कहता हूँ, जैसे हमने अभी एक वाक्य लिखा कि दिलीप बाजार जाता है और मैं यहाँ लिखता हूँ वह वहाँ से सामान खरीदता है, अब देखिए यहाँ पर वह शब्द आया किसके स्थान पर आया, मैंने कहा दिलीप बाजार जाता है, उसके स्थान पर हमने किस शब्द का प्रयोग किया वह, अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हमने क्या कहा सर्वनाम कहा। अब सर्वनाम का जब हम पद परिचय करते हैं तो हमें क्या क्या चीजें देखनी, सबसे पहले ये देखना सर्वनाम है, सर्वनाम है तो सर्वनाम का कौन सा प्रकार है ये देखेंगे। तो सर्वनाम का यह पुरुषवाचक सर्वनाम है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। उसके बाद में मैं यहाँ पर देखता हूँ यह पुरुषवाचक है तो उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या फिर क्या हो जाएगा अन्य पुरुष। अब देखिए वह, अब जब कर्ता खुद की बात करता है तो उत्तम पुरुष होता है, कर्ता जब दूसरे व्यक्ति की बात करता है तो क्या होता है मध्यम पुरुष होता है, और जब कर्ता तीसरे व्यक्ति की बात करता है यानी मैं या आप, जब मैं और आप की बात करता हूँ तो मैं तो हूँ उत्तम पुरुष, आप की बात करूँ तो मध्यम पुरुष, और मैं ये कहता हूँ वे या वह तो वो क्या कहलाएगा अन्य पुरुष कहेगा। तो अब यहाँ पर वह शब्द है वो अन्य पुरुष है। अब उसके बाद में लिंग कौन सा वह खरीदता है, इस क्रिया से हमें पता लगेगा ये पुल्लिंग शब्द है, और उसके बाद में उसका वचन पता चलेगा वह एक वचन शब्द है, एक दो तीन चार, और एक दो तीन चार, और कारक देखेंगे तो यहाँ पर वह कर्ता कार्य का काम कर रहा है तो कर्ता कारक हो जाएगा। इस प्रकार से हम इस पद का पांच प्रकार से पद परिचय कर लेते हैं। संज्ञा के लिए हम चार प्रकार से पद परिचय करते हैं और सर्वनाम के लिए हम पांच प्रकार से पद परिचय करते हैं। और जब कक्षा 12 की बात करें, अनिवार्य हिंदी में यह एक टॉपिक 2 नंबर से लगता है, जो परीक्षार्थी 12वीं की परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। आप इस सारणी से इसको आप भले भांति रूप से समझ सकते हैं। संज्ञा के लिए हमें 3-4 प्रकार से करना पड़ेगा, सर्वनाम के लिए हमें 5 प्रकार से करना पड़ेगा। अब देखिए विशेषण क्या होते हैं, विशेषण विशेषण संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। जैसे काला घोड़ा घास चर रहा है या चर रहा है, ये जो वाक्य दिया जा रहा है इसके नीचे मैं रेखांकन कर देता हूँ, काला के नीचे रेखांकन कर दे रहा हूँ। घोड़ा हमें पता है किसी एक जानवर का समुदाय है घोड़ा, और यह जातिवाचक संज्ञा है, और उसकी क्या विशेषता है कि वह काला है, अर्थात ये विशेष्य हो गया, और इसकी विशेषता क्या काला है अर्थात वो विशेषण। अब विशेषण के लिए हम जाएंगे विकारक के पास, विकारक के पास जाते हैं तो हमें कौन कौन से विकारक करने होते हैं, सबसे पहले विशेषण करेंगे, 2 नंबर पर हम उसका लिंग देखेंगे, 3 नंबर पर देखेंगे वचन, वचन देखेंगे एक वचन या बहुवचन, उसके बाद में हम लिंग की बात मैं यहाँ पर करूँ तो लिंग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, वचन एक वचन या बहुवचन। कई बार क्या होता है जब वचन की बात करूँगा तो मैं केवल पुल्लिंग शब्दों के वचनों की बात करूँ, क्योंकि स्त्रीलिंग शब्दों में बहुतायात या बहुत बार उनका वचन नहीं होता, वो केवल एक वचन में रहते हैं, तो वचन एक वचन या बहुवचन केवल ये शब्द होते हैं। इसके बाद में बात करी जाएगी, इसमें कारक बिल्कुल भी हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वह एक कारक की विशेषता बता रहा होता है, इसलिए विशेषण हमें कोई सा भी कारक नहीं होता। तो जब विशेषण हम पढ़ते हैं तो हमें कारकों की ओर हमें ध्यान नहीं देना है। उसके बाद में हमने लिंग देख लिया, वचन देख लिया, कारक देख लिया, पुरुष हम बहुत कम बार हम पुरुष का अध्ययन करेंगे, कई बार हो सकता है हमें पुरुष का अध्ययन करना पड़े, और वाच्य और काल का बिल्कुल भी अध्ययन हम इसके अंतर्गत नहीं करते। तो मूल रूप से हम विशेषण लिंग वचन और इन 3 का ही प्रयोग करते हैं। अब देखिए एक उदाहरण लिखा हमने कि काला घोड़ा चल रहा है, तो मैं काला का पद परिचय यहाँ पर कर रहा हूँ।
देखिए जो काला शब्द है उसका पद परिचय हम कैसे करेंगे। देखिए अब इस काला की विशेषता मैंने क्या बताई, सबसे पहले ये क्या विशेषण है। विशेषण चार प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण होते हैं। तो काला एक गुण है, काले होने का गुण है, इसलिए इसको क्या कहूँगा मैं, गुणवाचक विशेषण। उस विशेषण के बाद में लिंग बात करूंगा, जो यहाँ पर घोड़ा शब्द है उसका लिंग क्या है, यहाँ पर पुलिंग है। इसके बाद में इसका वचन बात करेंगे, एक घोड़ा घास चर रहा है, तो एक वचन हो जाएगा। उसके बाद में कारक ये है नहीं, पुरुष ये है नहीं। तो इस प्रकार से जब विशेषण की बात करेंगे तो मूल रूप से हम तीन प्रकार से इसका व्याकरण में स्थान दे सकते हैं। समझ में आ रही होगी बात आपके कि विशेषण के लिए मूल रूप से तीन प्रकार से हम इनका पद परिचय कर सकते हैं। अब इसके बाद में जब हम क्रिया की बात करते हैं, क्रिया किसे कहते हैं, किसी काम का होना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं, और क्रिया का मूल रूप धातु होता है, ये हमें पता है। ये हम क्रिया के जो प्रॉपर टॉपिक पढ़ेंगे उसमें बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्रिया पढ़ते समय हमें कौन कौन से विकारकों पर जाना, पहला विकारक होता है क्रिया, दूसरा सॉरी क्रिया के लिए विकारक पहला लिंग होता है, उसका वचन भी होता है, उसका कारक नहीं होता है, उसका पुरुष नहीं होता है, उसका काल होता है, उसका वाच्य होता है। अर्थात हम क्या देखेंगे उसके लिए, दो नंबर पर हम बात करेंगे लिंग की, तीन नंबर पर बात करूंगा मैं इसके वचन की, चार नंबर पर बात करूंगा मैं इसके काल की, और पांच नंबर पर बात करूंगा मैं इसके वाच्य की। काल, तीन प्रकार के काल होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वाच्य तीन प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जो कर्ता के अनुसार परिवर्तन होती है क्रिया वो कर्तृवाच्य है, कर्म के अनुसार परिवर्तन हो रही है जो क्रिया वो कर्मवाच्य है, और दोनों के आधार पर नया होकर उस वाक्य का सेंस, उस वाक्य का भाव क्या कह रहा है, उस आधार पर क्रिया चेंज हो रही है तो वह वाक्य होता है भाववाच्य। तो हमें जब क्रिया का पद परिचय बताएंगे तो सबसे पहले हम लिंग, वचन, काल और वाच्य। क्रिया मूल रूप से हमें दो ही बतानी है, एक तो बतानी है हमें अक्रमक और दूसरी बतानी है हमें सक्रमक। ऊपर जो वाक्य दिखाई दे रहा है हमें, इन्हीं वाक्य की मैं क्रिया बात करता हूँ। क्रिया बहुत बार पूर्वकालिक भी होती है, बहुत बार प्रेरणार्थक होती है, उसके लिए स्पेशल नेम होता है, उनकी बात करूँगा। जैसे मेरे पास खरीदना क्रिया है और इस क्रिया की बात करूंगा और आपसे पूछ लिया जाए कि इसका पद परिचय क्या होगा, तो आप क्या बताओगे, जल्दी से हमें कमेंट करके बताइए और कमेंट में लिखिए क्या होता है। और लिखने के बाद देखिए मैं इसका पद परिचय कर रहा हूं। सबसे पहले मैंने क्या कहा, क्रिया, क्रिया दो प्रकार की होती है, सक्रमक और अक्रमक। हमें देखनी है कि यह क्रिया सक्रमक है या अक्रमक है। तो मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, वहाँ से ये तो कर्म है, सामान क्या खरीद कर लाया, सामान खरीद कर लाया, अर्थात इसमें कर्म मौजूद हैं। जिस वाक्य में कर्म मौजूद हो वो सक्रमक क्रिया है, तो यहाँ पर लिखूँगा सक्रमक क्रिया। उसके बाद में देखूँगा लिंग, इस क्रिया का लिंग क्या है, क्योंकि वह पुलिंग था इसलिए क्रिया क्या हो जाएगी, यहाँ पर पुलिंग। उसके बाद में क्रिया का कौन सा रूप हमारे सामने आए, एक वचन का, खरीदता, एक वचन है खरीदते आता तो बहुवचन हो जाता। काल की बात करूं, वह वहां से सामान खरीदता है, अर्थात वर्तमान काल है। और उसके बाद में वाच्य की बात करूंगा, जो ये वाच्य है वो कहलाएगा हमारा कर्तृवाच्य, क्योंकि ये जो क्रिया इसके आधार पर आई है, वह सामान खरीदता है। और वह हमारे पास कौन था, दिलीप था, एक वाक्य सीक्वेंस हम पढ़ रहे थे, तो वह दिलीप था, वह वहां से सामान खरीदता है, अर्थात वो कर्तृवाच्य है का एक उदाहरण है। इस प्रकार से जब हम क्रिया की ओर जाते हैं तो हम सक्रमक क्रिया, अक्रमक क्रिया, लिंग, वचन, काल और वाच्य के आधार पर जाते हैं। तो इस प्रकार से हम विकारी शब्दों का जब पद परिचय करते हैं, और यह व्याख्यात्मक पक्ष है और इनका क्या रोल है, इसकी सारणी में आगे और बताऊंगा आपको, एक सारणी बना के दूंगा। आज हमने पढ़ा है विकारी पदों की का पद परिचय, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। कि विकारी पद किसे कहते हैं, जिनमें विकार आ जाए, सीधा मैं यहां लिख रहा हूं, जिनमें विकार आ जाए उसे हम विकारी पद कहते हैं। विकार कैसे आया, जैसे कभी तो राम आ गया, कभी श्याम आ गया, विकार आ गया इसमें,
क्योंकि जैसे वाक्य का लिंग कारक ये परिवर्तन होते रहते हैं, तो आगे जो ये कर्ता कारक है या जो कोई सा भी कारक है संज्ञा है वो बदल जाएगी। जैसे सर्वनाम, कभी तो मैं कहता हूँ वह, कभी कहता हूँ वे, कभी कहता हूँ आप, इस प्रकार से क्या होते हैं, इनका भी रूप लिंग वचन कारक पुरुष कालवाच्य के अनुसार अपना परिवर्तन कर लेते हैं। विशेषण, जैसे जो विशेष है वो पुलिंग आया है, तो उसका जो विशेषण है पुलिंग आएगा। जैसे मैं लिखता हूँ अच्छा, और उसी प्रकार से मैं इसका लिख दूंगा अच्छी, अगर पुलिंग आया तो अच्छा, अगर स्त्रीलिंग आया तो अच्छी। इसी प्रकार से जैसे जाता क्रिया है और स्त्रीलिंग हो जाए तो यह क्रिया जाती, अर्थात वो एक जैसी कंडीशन में नहीं रहते हैं, अपना रूप बदलते रहते हैं। इसका उदाहरण मैं अगले वीडियो में देने वाला हूँ। तो आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद, धन्यवाद।